सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी आरोग्य। कैसे हो सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त वे में आप लोग अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है सभी के सभी स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स अपियर करने वाले हैं टर्म वन में। सो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने स्टडी प्लानर को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हो, जिससे कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आप लोग को मिल सके एग्जामिनेशन के टाइम पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि इसी तरीके का मज़ेदार कॉन्टेंट हम आप लोग के लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। So, जैसे जैसे टर्म वन करीब आ रहा है, कहीं ना कहीं सभी के सभी स्टूडेंट्स के दिलो दिमाग में टेंशन बढ़ने लग गई है कि किस तरीके से हम लोग स्टडी प्लानर को और ज्यादा बेहतर बना सके, जिससे कि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से प्रिपरेशन हमारी एग्जामिनेशन के लिए हो सके, जिससे कि हमारा बेटर रिजल्ट निकल के आ सके। इस वीडियो में मैं आप लोग को प्यारी प्यारी टिप्स प्रोवाइड करने वाला हूँ जो आप लोग अपने स्टडी प्लानर में इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो सभी के सभी टिप्स को आप लोग को ध्यान से सुनना है और वीडियो को एंड तक के देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टिप नंबर वन से। सो टिप नंबर वन आप सभी लोग के लिए मेरी तरफ से ये रहेगी कि सभी के सभी सब्जेक्ट के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं सभी को आप लोग वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ना चालू कर दीजिए। ऐसा मत करा करो कि यार जिसका कम वेटेज है पहले काम करते उसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाएगा कि हमने इतना सारा पढ़ लिया, बट कहीं ना कहीं वो आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। काफी सारे हर ब्लू प्रिंट में अगर आप चेक करोगे, जितने भी सब्जेक्ट के आप लोग को ब्लू प्रिंट मिलते हैं आपके बोर्ड आप लोग को प्रोवाइड करते हैं, तो उन यूनिट्स में आप लोग को ज्यादा ध्यान देना है और उतना ही ज्यादा आप लोग को उसमें टाइम देना है जितना उसका वेटेज है, जिससे कि आप लोग के मार्क्स ज्यादा से ज्यादा गेन हो सके। अगर आप लोग वेटेज वाली यूनिट्स को कवर अप करोगे तो एग्जाम में क्वेश्चंस भी उसके ज्यादा आएंगे और कहीं ना कहीं आप लोग को मार्क्स भी उसी यूनिट के थ्रू बढ़ने वाले हैं। तो जब भी आप लोग अपने स्टडी को प्लान कर रहे हो तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले आप लोग चैप्टर वाइज के अंदर भी आप लोग को वेटेज के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। तो एट लास्ट मैं आप लोग को यही समझाना चाहता हूँ कि ज्यादा वेटेज जो भी टॉपिक्स हैं उनको आप लोग ज्यादा टाइम देने की कोशिश करें, जिसके थ्रू आप लोग के एग्जामिनेशन में मार्क्स और ज्यादा गेन हो सके। सो टिप नंबर सेकंड आप लोग के लिए ये रहेगी कि रेगुलर आप लोग अपना टाइम स्केड्यूल बनाया करो सभी के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। जैसे कि आप लोग कल के लिए प्रिपेयर करने वाले, तो आज ही के दिन आप लोग ये सोच लो कि मुझे कल क्या क्या प्रिपेयर करना है। अब ये जरूरी नहीं है कि यार टाइम बाउंडेड होना चाहिए, 1 बजे से 4 बजे के बीच में पढ़ूंगा। अगर हम लोग इस वे में पढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तो यार होता क्या है कि हम लोग है ना आइडियली उसको अचीव नहीं कर पाते। दिलो दिमाग में आप इतना बैठाल के रखो कि मुझे 1 चैप्टर या 2 चैप्टर कवर अप करना है कल के दिन, अब वो मैं किसी भी टाइम करूं जब मुझे फ्री वक्त मिल सके। साथ ही साथ आप लोग अपने स्टडी टेबल के अराउंड में एक टेबल बना सकते हो जिसमें आप लोग ये लिख सकते हो कि यार भाई किस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है और किस पे ज्यादा ध्यान देना है हमें। तो जब भी आप लोग अपना एक टाइम स्केड्यूल बनाओगे तो आप लोग को उन सब्जेक्ट के अंदर उस चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना और फोकस करना है। तो आप लोग क्या करना है, एक टेबल बनाना और सारे सब्जेक्ट्स लिख लेना, और सारे सब्जेक्ट को आप लोग 5 आउट ऑफ रेटिंग दे सकते हो क्या टफनेस की, कि किसका वेटेज ज्यादा है और कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर ज्यादा टफ है, जिसके थ्रू आप लोग के लिए एक बेहतर ब्लूप्रिंट रहेगा जिसके थ्रू आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन के लिए। अब टिप नंबर थर्ड ये आती है आप लोग के लिए कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन है सभी को प्रिपेयर करना चालू कर दो, चाहे वो टर्म वन क्यों ना हो। अब आप बोलोगे कि भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो देखो यार एग्जामिनेशन है, कहीं ना कहीं बोर्ड चाहेगा कि थोड़ा सा टफ भी बनाया जाए जिससे कि यार एक कॉम्पिटिशन क्रिएट हो सके। तो अगर आप लोग को दूसरों से बेहतर बनना है तो आप लोग को ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को प्रिपेयर करने की बहुत जरूरत है। देखो सभी स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट को पढ़ तो लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को पहले ही प्रिपेयर कर लो। अब ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कहां से प्रिपेयर करें, तो देखो आजकल के टाइम में मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टर्म वन के ऊपर बुक्स आ चुकी है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है 1-2 बुक्स परचेज कर लो और उन सभी के क्वेश्चंस आप लोग लगा लो, जिससे कि आप लोग की एक बेटर प्रिपरेशन हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी क्वेश्चन बैंक्स रहते हैं वो आप लोग के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते हैं और जो एग्जाम का स्ट्रेस है उसको रिड्यूस कर देते, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले से आप लोग प्रिपेयर थे। अदरवाइज अगर आप कॉन्सेप्ट ही पढ़ के चले जाओगे और एग्जाम में तुरंत क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। इससे बेहतर यह है कि आप लोग पहले से क्वेश्चंस बैंक के थ्रू अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। सो टिप नंबर 4 आप लोग के लिए ये रहेगी कि जब भी किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आता है तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ रिफर करें टर्म 1 के लिए, स्पेशली एनसीईआरटी बुक को। तो जब भी अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है या फंडामेंटल चीजों को अगर समझ में नहीं आ पा रहा है, तो जब भी इस चीजों को क्लियर करना है तो एनसीईआरटी में आप लोग रिफर जरूर करें, उसके थ्रू आप लोग गो थ्रू करें और पढ़ाई अपनी बेहतर करें। क्योंकि यार देखो कहीं ना कहीं सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 को फोकस करेगा एनसीईआरटी के ऊपर, तो हमें एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना बहुत जरूरी है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था हाउ टू प्रिपेयर फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन, उसमें भी मैंने आप लोग को इस इंपॉर्टेंस को बताया हूं। तो बार बार किसी चीज को बोला जा रहा है मतलब उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे आप लोग का कोई भी सब्जेक्ट हो, आप लोग
को एनसीईआरटी को पढ़ना जरूर है, जिसके थ्रू आप लोग के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट बात निकल कर आती है कि जब भी आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ ध्यान देना है तो उसको आप लोग को डिले नहीं करना है। प्रोकेस्टिनेट करोगे तो प्रॉब्लम होगी। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग एग्जाम के टाइम पढ़ लेंगे उन टॉपिक्स को, लेकिन ऐसा गलती नहीं करना है हमको। हो सके तो एनसीईआरटी के थ्रू जितना कॉन्सेप्ट दिया गया उतना पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम में उसी के पैटर्न से बनने वाला है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से आ रहे, अब आप लोग तो सभी लोग जानते हो कि टर्म वन तो एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से, लेकिन लास्ट ईयर में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए तो कहीं ना कहीं आप लोग को इंपॉर्टेंस तो समझ में आएगी कि लास्ट ईयर ये क्वेश्चंस आए हैं तो सीबीएसई के नजरों में है, ये क्वेश्चंस के तौर पे आप लोग को एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो इस चीज पे आप लोग को ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब टिप नंबर 5 आप लोग के लिए ये रहेगी कि डिकोड द एग्जाम पैटर्न। आप बोलोगे कि भैया हम कैसे करें, क्योंकि जिंदगी में अभी तक के टर्म वन एग्जामिनेशन तो कभी हुआ नहीं, ये तो फर्स्ट टाइम हो रहा है टर्म वन का एग्जाम। तो आप लोग को डिकोड करना है एग्जाम का पैटर्न सैंपल पेपर के थ्रू जो सीबीएसई ने ऑफिशियली प्रोवाइड करी है सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए। वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है, कहीं ना कहीं आप लोग को एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है कि देखो किस तरीके के या किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग को जो लेवल के क्वेश्चन है उससे आप लोग को एक कदम और आगे रख के अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप लोग मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते। अब देखो यार, काफी सारे लोग यही बोलते रहते हैं कि यार पेपर ईजी आएगा, पेपर ईजी आएगा। पेपर ईजी नहीं आएगा, हमें ईजी के परस्पेक्टिव से पढ़ोगे तो यार एग्जाम में फिर उतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। आप लोग टफ से भी टफ पढ़ने की कोशिश करो या अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन रखने की कोशिश करो। अगर पेपर इजी आया तो आप ही लोग के लिए बेहतर रहेगा, और अगर टफ आया तो आप लोग पहले से प्रिपेयर रहोगे उस एग्जामिनेशन के लिए। इसी तरीके से अनअकैडमी भी आप लोग को घर बैठे आपकी प्रिपरेशन करवा रहा है टर्म वन के पर्सपेक्टिव से, जहां पे आप लोग के लिए स्ट्रक्चर वे में पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप करवाया जा रहा है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी के बारे में नहीं जाने हो, जहां पे आप लोग अपने घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हो स्पेसिफिकली टर्म वन के लिए, तो जल्द से जल्द आप लोग अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें। तो चलिए बताता हूं मैं आप लोग को अनअकैडमी के बारे में क्या क्या चीजें आप लोग को मिलती है इसमें खास। So, Unacademy आप लोग को प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट बैचेस, जिसके थ्रू आप लोग जाके अपने पूरे के पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। चाहे अगर आप लोग साइंस से हो या फिर आर्ट से हो या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से क्यों ना हो, इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोग की घर बैठे प्रिपरेशन कराने के लिए तैयार है। तो बिल्कुल इन बैचेस को जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक प्रोवाइडेड है, जिसके थ्रू आप लोग अपनी अपकमिंग जर्नी को प्लान कर सकते हो। इसी तरीके से अनअकैडमी आप लोग को प्रोवाइड करता है एक बेहतरीन फीचर जिसका नाम है आस्क डाउट फीचर, जिसको यूज करके आप लोग अपने अनलिमिटेड डाउट्स को घर बैठे पूछ सकते हो। जब भी आप लोग को एक होमवर्क करने के लिए असिस्टेंट की भी जरूरत है तो अनअकैडमी का ये आस्क डाउट फीचर आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पे आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के हाई क्वालिटी सॉल्यूशन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में आप लोग को प्रोवाइड है। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ किस तरीके से आप लोग आस्क डाउट फीचर को यूज कर सकते हो। सिंपली आप लोग को अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पे आप लोग को एक टैब दिखेगा आस्क डाउट, उसको क्लिक करने के बाद आप लोग को पूछेगा कि आप लोग को उस फोटो को क्लिक करना होगा जो भी आपका क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को आप लोग को सिंपली क्रॉप करना है और सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद आप लोग को सब्जेक्ट चूज करना है कि एक्चुअल में ये कौन से सब्जेक्ट का है, और तुरंत आप लोग को उसका एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। तो है ना कितना आसान। तो बिल्कुल आप लोग इसको यूज करें, घर बैठे आप लोग की प्रिपरेशन में टॉप नॉच बूस्ट लाए। इसी तरीके से अनअकैडमी में आप लोग ज्वाइन होकर अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप लोग को वेरियस बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जहां पे आप लोग को इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोग की घर बैठे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अनलिमिटेड एक्सेस होता है सारे के सारे कोर्सेस में, और आप लोग अपने कंफर्ट जोन में बैठ के अपने प्रिपरेशन कर सकते हो। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस आप लोग का कंप्लीट करवा के दिया जाता है। मेंटरशिप और गाइडेंस प्रोवाइडेड होती है टॉप एजुकेटर के थ्रू। स्टडी मटेरियल आप लोग को पीडीएफ फॉर्म में मिलता है। प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पे बैचेस के कोर्सेज भी अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप लोग अपने अपकमिंग जर्नी को प्लान कर सकते हो। तो ये रहे कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान अनअकैडमी के। तो आप लोग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन प्लान चूज कर सकते हो, और सिंपली आप लोग मेरा कोड आरोग्य जकी यूज करके 10% ऑफ भी पा सकते हो अनअकैडमी प्लस में। इसी तरीके से अनअकैडमी आइकॉनिक में अगर आप लोग जाते हो तो यहाँ पे आप लोग को 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम मिलता है, जहां पे आप लोग को प्लस के बेनिफिट्स तो मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा आप लोग को यहाँ पे एक पर्सनल मेंटर मिलेंगे जो आप लोग को 1-on-1 गाइड करेंगे। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस आप लोग को मिलेंगे। वीकली रिपोर्ट्स आप लोग को मिलेंगे कि कितना अच्छा आप लोग प्रोग्रेस कर रहे हो, और आप लोग के पेरेंट्स कनेक्टेड रह सकते हैं आप लोग के जो मेंटर रहेंगे उनसे, और साथ में आप लोग को प्रोवाइड रहेगा एक स्टडी प्लानर, जिसके थ्रू आप लोग अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हो, और बाकी प्लस के बेनिफिट्स भी इसमें आप लोग को मिलते हैं। इसी तरीके से आप लोग अपना सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हो आइकॉनिक का भी अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो सिंपली अगर आप लोग को 10% का डिस्काउंट चाहिए हो प्लस या फिर आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन के लिए, तो आप लोग मेरा कोड आरोग्य जकी यूज कर सकते हो।
या फिर अगर आप लोग किसी भी फ्री क्लासेस में या अनअकैडमी के किसी भी इवेंट में अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हो जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बट वहाँ पे भी एक इनविटेशन कोड मांगता है, तो आप लोग वहाँ पे आरोग्य जकी यूज कर सकते हो। तो अनअकैडमी की एप्लीकेशन की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, बहुत सारे बेनिफिट्स है, जरूर एक बार इसको डाउनलोड करके अपनी टॉप नॉच प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने की कोशिश करें। सो इसी तरीके से कंटेंट मैं आप लोग के लिए डिलीवर करता रहता हूं इस चैनल पे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरीके का मजेदार कंटेंट रेगुलरली मैं आप लोग के लिए लाता रहता हूं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।